हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नए बुक्स लेकर आया हूँ जो बच्चों के लिए काफ़ी शानदार है, और बच्चे इसे जो है तो साथ ही साथ यानी आर्ट का तो काम होता ही है, एक्टिविटी भी इसके अंदर बच्चे अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुक्स है जो मार्केट में आपको मिल जाएंगी। मैजिक वाटर बुक कहते हैं इसको, यानी पानी का पेन होता है और उसका इस्तेमाल करके इसमें अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाई जा सकती है और इसको बार बार यूज़ किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत सस्ते के अंदर मिल जाएंगी। 50 से 60 रुपए के अंदर आपको मार्केट के अंदर ये बुक मिल जानी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इन सारे बुक्स को हम कवर के बाहर निकाल लेते हैं और इन बुक्स को देख लेते हैं। तो जब हम इसको कवर से बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले हमें एक पेन देखने को मिलता है इस तरीके से। इसको हमें यहाँ से ओपन करना है, ठीक है, और ओपन करने के बाद इसके अंदर हमको पानी भर लेना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हमको इसमें पानी भरना है और इसको इस तरीके से वापस लगा देना है, ठीक है। और यहाँ से अब पानी आएगा, ये ब्रश जैसा हो गया है और ये इसका कैप है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमको इसे मिल रही है तो वो है हमारे पास में बुक। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको बुक देखने को मिलेगी। इसके पेजेस वगैरह काफ़ी थिकनेस बहुत ज़्यादा है इसका, और स्पायरल बेंडिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड जैसा है, ये काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है। और कैसे इसमें वाटर फिलिंग करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर जो वाइट पेज आपको नज़र आ रहा है इसमें सारी पिक्चर छिपी हुई है। आपको ये पिक्चर्स को देख के उसके ऊपर ड्रॉ करके उस पिक्चर को उभारना है, ठीक है। तो इस तरीके से हर बुक के अंदर आपको 4 पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे पिक्चर्स को आप ड्रॉ करके उसको उभार सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं इसको, क्योंकि ये सारी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़रूरी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पेन को रेडी कर लिया हूँ और देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दे रहा है कि बर्ड को उभारना है हमें, ठीक है। तो बर्ड ढूंढना है और ये देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, बर्ड उभर चुका है। जो चीज़ हमको उभारना है तो उसको हम यहाँ पर इस पर ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक पैराशूट है, पैराशूट चाहिए हमें। तो यहाँ पर देखिए मैं इस कर रहा हूँ, पैराशूट भी उभर चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जिस चीज़ को भी चाहे यहाँ पर इस पर आप करें, तो ये एक्चुअल में पानी से वर्क करता है। और जब ये पानी सूख जाएगा तो आप इसको डबल से दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यानी बार बार इस बुक को यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ आपको पानी भरते चले जाना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं ये सारी चीज़ों को, क्योंकि ये आर्ट, ड्राइंग और क्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है और सस्ते में मिल रहे हैं। तो आप इसको बाय कर सकते हैं बच्चों की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कितनी ईजिली मैं इसको कर पा रहा हूँ। ये पिक्चर देखिए उभर के आ चुकी है। ये सूखने के बाद पूरी पिक्चर यानी वाइट पेज जैसे के वैसे हो जाएगा। चलिए पूरी पिक्चर मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए, इस पिक्चर को हम पूरी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए पूरी पिक्चर उभर के आ चुकी है, और जैसे ही ये पानी इसके ऊपर का सूखेगा तो ये वापस पूरी ब्लैंक हो जाएंगी। तो आप इसको डबल से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, और 4 पिक्चर एक बुक के अंदर आपको देखने को मिल रही है। और इसकी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सिंड्रेला वगैरह डिज्नी के कार्टून्स आते हैं उसकी है ये। दूसरी अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये मिक्की माउस की बुक आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अंदर भी आपको 4 पेज नज़र आएंगे और सेम वर्क करेंगे, ठीक है। सेम तरीके से वर्किंग करेगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर, तो ये स्पाइडरमैन की बुक भी आपको इसमें देखने को मिल रही है, स्पाइडरमैन, ठीक है। इसमें भी 4 पेज है। और लास्ट में हमारे पास में जो है वो है, ये देखिए, ये जंगल से ताल्लुक़ रखने वाली है, यानी जंगल्स की सारी चीज़ें। ड्रॉ विथ वाटर एंड ड्रॉ वंडरफुल यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है, और इसके अंदर जो हमारे एनिमल्स है उसके फ़ोटोज़ यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक फ़ोटो मैं इसमें उभार के आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, और फिर ये कैसे सूख के दोबारा हो जाता है जैसे कि वैसे वो भी देख लेते हैं। इस तरीके से देखिए फोल्डिंग भी हो रहा है स्पायरल बेंडिंग की वजह से। चलिए इसको जल्दी से अब हम इसको उभारते हैं और वेट करते हैं इसके सूखने का, कि सूखने के बाद क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि पिक्चर हमारी पूरी ड्रॉ हमने कर ली है, यानी पानी से हमने इसको उभार दिया है पूरा। अब हम इसको रख देते हैं
और 2 से 3-4 मिनट बाद आप देखेंगे कि पूरा पेज जैसे कि वैसे हो जाएगा, यानी आप इसको दोबारा यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी हम। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि हमने इसको ड्रॉ किया था और देखिए पानी सूखने पे पेज जैसे के वैसे हो चुका है, यानी ये समझ लीजिए कि अब आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बुक को आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये बुक्स है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बुक्स आपके समझ में आ गए होंगे और आपको पसंद भी आएंगे। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, या फिर मार्केट में आप जाइए तो आपको ये सस्ते में मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए काफ़ी शानदार वीडियो है और काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, प्रोडक्ट पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।